अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सरारा डाल्स किचन एंड ब्लॉग से। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं समोसे आलू और मटर के बने हुए, और साथ में है इमली की चटनी। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आलू मटर और पनीर के समोसे बनाना। कुछ समोसे में पनीर पड़ा है और कुछ में नहीं पड़ा हुआ है, तो दोनों तरह के समोसे हमने बनाने सीखे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम ये मैदा लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें कुछ सामान मिक्स करते हैं, यानी कि ऑयल मिक्स करेंगे मोयन के लिए, और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है, तो इसमें सॉल्ट ज़रूरत के मुताबिक डालें, क्योंकि फिलिंग में भी सॉल्ट मिक्स होगा। तो ये बस हल्का सा सॉल्ट, यानी कि 1/4 इस चम्मच से, उससे भी कम। तो नमक डाल दिया है, इनके लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। तो ये ऑयल हम डाले दे रहे हैं, बस 2 चम्मच डालेंगे इसमें ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसका डो बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये 1/2 कप पानी हमने रखा हुआ है, और 1/2 कटोरी मटर है, जो थोड़ा सा स्टीम होने देंगे, सॉफ्ट हो जाए इतना कि फिलिंग में भरी जा सके। तो इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक का। इसको हल्की सी स्टीम दे देंगे मटर को, इसको कवर कर देंगे, और स्टीम होने पे इसको छान के निकाल लेंगे। देखिए हल्का सा स्टीम हो गया, सॉफ्ट भी हो गया है, तो इसको बाहर निकालेंगे। अब ये इसी कढ़ाई को हमने फिर चढ़ा दिया, और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, रिफाइन ऑयल। 1 चम्मच हमने धनिया, खड़ी धनिया डाली है सूखी हुई साफ करके, लाल मिर्च डालनी है। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गैस हमने बंद कर दी है, और ये ब्राउन हो चुका है। अब ये तेल से हम थोड़ा किनारे कर लेंगे ताकि इसका सारा तेल निकल जाए। अब इसको किसी भी चीज़ में दरबरा ही इसको कूट लीजिए, इस तरह से आम दस्ता हो, छोटा आपका लोहे का हो, या फिर ये इसका बना हुआ है, इससे इसमें पीस सकते हैं। तो इसको हल्का सा दरबरा पीस लेंगे, तो इस तरह से ये दरबरा हम पीस लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ होना चाहिए। इसको पीस लिया है। अब हम बॉयल आलू लेंगे, ये पहले से मैंने उबाल लिए हैं, तो इसको कट करके मैंने बॉयल किया था। तो आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, अब इनको अच्छे से मसल लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, मोटा मोटा मसल लेंगे। तो ये देखिए मोटे मोटे आलू को क्रश कर लिया, मतलब फोल्ड लिया है, ये फूट चुका है। कढ़ाई गर्म है क्योंकि इसमें से धनिया हमने खाली फ्राई किया था, अभी 2-4 दाने पड़े हुए हैं, इसी में आलू को डाल देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं है, इसको फ्राई नहीं करना है, अच्छा सा मिक्स करना है, जो भी इसमें है फिलिंग उसको मिक्स करना है। तो इसी में हम आलू को डाल देंगे, ये आलू इसमें डाल दिया है। ऑयल मटर है जो 1/2 कप थी, हल्का सा स्टीम कर लिया है इसको, इसको भी इसी में डाल देते हैं। रवा मसाला भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक को थोड़ा वैसे डालेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आप डो में भी डाल चुके हैं, और फिलिंग में भी उसी हिसाब से आप डालिएगा अपना टेस्ट करके। तो हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच सॉल्ट डाल लें इसमें, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। Yeah.
ये देखिए समोसे हमने 6 पीस तैयार किए हैं और इसमें पनीर के एक एक टुकड़े भी डाले हैं, वो आपको तोड़ेंगे जब बना लेंगे तो फिर दिखाएंगे। तो इसको आप फ्राई करते हैं। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम समोसे डालते हैं। एक एक करके धीरे धीरे समोसे डालेंगे। समोसे को भी पलट दिया गया है, अब ये ऊपर से हो चुके हैं और नीचे की तरफ पलटे गए हैं, तो इनको मीडियम टू स्लो उसमें आपको फ्राई करना है ताकि मैदा भी अच्छे से पक जाए और अंदर जो मटर थोड़ी बहुत कसर है, आलू तो पका हुआ है, मटर में हल्का बहुत स्टीम लग जाए बस। तो ये देखिए हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने पे इनको निकाल लेना है। दूसरे समोसे भी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे समोसे 6 पीस तैयार हो चुके हैं, अभी और तैयार करने हैं, लेकिन ये आपको जल्दी से वीडियो सेंड करना था इसलिए मैंने 6 समोसे बना लिए हैं। तो कुछ पनीर डाल के बनाए हैं और कुछ सिंपल बने हुए हैं। तो एंजॉय करिए, ये इमली की चटनी है जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप मेरे लिंक पर जाकर आप क्या नाम है इमली की चटनी का, आप गुड़ और इमली की चटनी के साथ ये सर्व करें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है ठंड का टाइम है, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताइए गरम गरम समोसे के साथ इमली की चटनी कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।